नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। स्थानीयता तय करने के लिए 1932 के खात्यान को आधार मानने को लेकर चल रहे विवाद को मानकी मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय कमेटी ने सिरे से खारिज कर दिया है। 1913 के सेटलमेंट और 1964 के रिविजन को आधार मानने की बात कर रहा है। चाईबासा के पिल्लई हॉल में आयोजित अधिवेशन में मानकी मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से गणेश पाठ पिंगवा को अध्यक्ष और चंदन हुनहागा एवं रामेश्वर सिंह कुंटिया को महासचिव चुना गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश पाठ पिंगवा ने कहा कि कोल्हान में 1932 में सर्वे सेटलमेंट हुआ ही नहीं, इसलिए हम स्थानीयता के लिए इसे आधार कैसे मान सकते हैं। 1913 के सेटलमेंट और 1964 के रिविजन के आधार पर स्थानीयता के लिए बात होगी। उन्होंने कहा कि नई कमेटी का विस्तार हो रहा है, इसके बाद हम आपस में मंथन करने के बाद सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। कोल्हान पोड़ाहाट के सभी मानकी मुंडा, यानी कि 18 अंचल हैं, 18 अंचल के सभी मानकी मुंडा को साथ में लेकर के काम करने का मेरा विचार है और सोच है। और जो भी हमारे कमेटी है, केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी का भी राय लेते हुए और सरकार का गाइडलाइन को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना काम बहुत अच्छा से करने का और दुख दर्द में मानकी मुंडा का सभी वैसा काम जब आएगा तो 24 घंटा उस तत्पर रहने के लिए हम पूरा पूरी समय देने का अपना तरफ से ये प्रयास रहेगा। अभी नया कमेटी के साथ हम लोग बैठेंगे, उस पर देखना है कितना काम बाकी है और हम लोग शेड्यूल बना लेंगे, उसमें से कौन सा काम पहले करना है उस हिसाब से हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बहुत जल्दी नया कमेटी बैठेंगे और बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका फाइनल जवाब देंगे सरकार को। सही में कोल्हान का सेटलमेंट का हिसाब से 13-14 फाइनल है और रिविजनल सेटलमेंट 64 को है, उस हिसाब से हम लोग ये सामूहिक निर्णय करके फाइनल जवाब हम लोग सरकार को देंगे। मानकी मुंडा संघ केंद्रीय कमेटी के और पदों पर किन लोगों को मनोनीत किया गया है उनके नाम भी आपको बता देते हैं। मोहन सिंह तामसोय, जमादार लागुरी, अभय सोय और कालीचरण बिरुआ को उपाध्यक्ष, वीर सिंह सुंडी को सचिव, प्रताप सिंह कालुंडिया, सुरेश बिरुली और कृष्णा डांगिल को कोषाध्यक्ष, चंद्रशेखर बिरुआ, डुबराज बिरुआ, ज्योतिन बिरुआ और अंतु हेम्ब्रम को सलाहकार, महेंद्र दुरायबुरु, नरेंद्र तियू और मोतीलाल हेम्ब्रम को विधि सलाहकार और राज निकेश पाठ पिंगवा को प्रवक्ता बनाया गया है। नई कमेटी अगले 3 सालों तक काम करेगी। संघ के संविधान के मुताबिक सभी पदों पर पदाधिकारियों को चुनाव सर्वसम्मति से किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज 2 बैठकें की। उन्होंने पंचायत चुनाव की सारी तैयारियों पर चर्चा की और सभी संबंधित पदाधिकारियों को समय से अपना काम पूरा करने का निर्देश दिया है। पहली बैठक में सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ उन्होंने चुनाव की तैयारियों और आचार संहिता को लेकर चर्चा की। प्रशिक्षण और कार्मिक कोषांग को डेटाबेस तैयार करने को कहा गया। चूंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और धारा 144 भी लागू है, इसलिए विधि व्यवस्था और MCC कोषांग को सक्रिय रहने को कहा गया, ताकि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कड़ी कार्रवाई की जा सके। मत पेटिका और मत पत्र कोषांग को तैयारी तेज करने को कहा गया है। पंचायत चुनाव
बड़ी और मध्यम आकार की मतपेटियों के जरिए होगा। सभी कोषांग को समय रहते टाइमली जो है सारे कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। इसमें मुख्यतः सभी निर्देश प्रशिक्षण कोषांग और कार्मिक कोषांग को दिए गए हैं, जिसमें डेटाबेस बनाना अति महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ विधि व्यवस्था कोषांग और MCC कोषांग, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और 144 भी लागू किया जा चुका है, उससे संबंधित किसी भी तरीके के वायलेशन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ मतपेटिका और मतपत्र कोषांग को भी भारी इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसमें मतपेटिका और हम लोग बैलेट बॉक्स के साथ वोटिंग करवाएंगे, और इसमें बड़ी मतपेटिका और मध्यम आकार की मतपेटिका के तहत ही हमारी वोटिंग होगी। सभी कोषांगों को यह निर्देश दिया गया है कि टाइमली अपने कार्यों का निष्पादन करें और उसको वीकली मॉनिटर करते हुए हम इसमें कार्य करवाएंगे। दूसरी बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर भी मौजूद रहे। यह बैठक सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ हुई। मत पेटियों को चैबासा से अनुमंडल भेजा जाएगा, जहां पूरी सुरक्षा के साथ क्लस्टर में भेजा जाएगा। मतदान कर्मी क्लस्टर से मतदान केंद्र तक और फिर वापस अनुमंडल मुख्यालय तक सुरक्षित आवागमन कर सके, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी को रूट चार्ट तैयार करने को कहा गया है। दूसरी बैठक में हम लोगों ने सभी BDO, CO और थाना प्रभारी जो कि SP साहब के प्रेजेंस में हम लोगों ने बैठक करी है। इसमें सभी एरियाज में जो भी हमें क्लस्टर चिन्हित करने हैं और वहां पर जो भी एमिनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उस संबंध में बैठक करी। इसमें हम लोग डिस्पैच जो है वो सेंट्रली चाईबासा से करने वाले हैं, और सभी बैलेट बॉक्स का रिसीविंग संबंधित अनुमंडल में किया जाएगा। इसमें सुरक्षा व्यवस्था की हमें खासी बात कही गई, जिसमें सभी क्षेत्रों में प्रॉपर फोर्स अवेलेबिलिटी हो जाए, और साथ ही साथ हमारे क्लस्टर से मतदान केंद्र और मतदान केंद्र से वापस अनुमंडल आने में किसी भी पोलिंग पार्टी को कोई भी दिक्कत ना हो। रूट चार्ट प्रिपरेशन के लिए सभी BDO, CO और थाना प्रभारी को साथ में बैठकर एक रूट चार्ट बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत हम लोग फोर्स को उसमें रख के सभी पोलिंग को इमीडिएटली और निष्पक्ष रूप में करवा सकें। विद्यालय रू आर 2022 कार्यक्रम के तहत विद्यालय से बाहर रहे बच्चों को 100% पुनः नामांकन कराने को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर ने श्रद्धानंद बालिका मध्य विद्यालय सभागार में बैठक की। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के 4 प्रखंडों सदर, टोंटो, झिकपानी और खुटपानी के चिन्हित 28 विद्यालयों के 213 विद्यार्थियों के पुनर्नामांकन और उनके ठहराव को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डहर ऐप में कक्षा 5, 6, 8, 9, 10 और 11 में प्रोन्नत को लेकर ऑनलाइन दर्ज किए गए विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्थिति के आधार पर रू आर 2022 कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। चैबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल ने नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर से मुलाकात की और उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। चेंबर के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को रोजमर्रा की समस्याओं से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी समस्या के निवारण के लिए आम नागरिक उनसे मिल सकते हैं। चेंबर के प्रतिनिधि मंडल ने चैबासा चक्रधरपुर के बीच पुलिस आउटपोस्ट बनाने की मांग की। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ,
नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। चैबासा हाता बाईपास के पास पावर ग्रिड में मेंटेनेंस का काम कर रहे बिजली मिस्त्री अहमद अंसारी करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। घटना करीब 9:30 बजे हुई है। घायल हालत में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। बिजली मिस्त्री अहमद अंसारी पतरातू का निवासी है, चैबासा के बड़ी बाजार में रहकर काम करता था। श्री गुरु सिंह सभा चैबासा की ओर से 14 अप्रैल को खालसा सृजन दिवस यानी वैसाखी का त्योहार मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष में मंगलवार से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ आरंभ किया गया है, जिसकी संपूर्णता कल होगी। शुक्रवार को 85 फुट ऊंचे हाइड्रोलिक निशान साहिब का चोला बदला जाएगा, शब्द कीर्तन होगा, अरदास के उपरांत प्रसाद एवं लंगर आयोजित होगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के सभी बंद यात्री ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू करने को लेकर पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने केंद्रीय रेल मंत्री के ओएसडी वेद प्रकाश और सचिव को मांग पत्र सौंपा। सौंपे मांग पत्र में पूर्व विधायक ने कहा है कि चक्रधरपुर रेल मंडल के सभी बंद यात्री ट्रेनों का परिचालन जल्द करवाते हुए आम जनता के समक्ष उत्पन्न ट्रेनों की आवागमन की समस्या को जनहित में अविलंब दूर करें, साथ ही यात्री एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनवा गोइलकेरा के साथ मनोहरपुर स्टेशनों पर किया जाए। रेल मंत्री के वरीय पदाधिकारियों ने विधायक को चक्रधरपुर रेल खंड के सभी ट्रेनों का परिचालन और विभिन्न स्टेशनों में ठहराव किए जाने का आश्वासन दिया। आज के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।